हाय फ्रेंड, आज मेरा पहला ब्लॉग है। मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ क्योंकि आज कुछ नया होने वाला है। आज प्रिया ने बोला है केक बनाएंगे बोल के। मैं बोला कैसे बनाओगे, तो बोला है आज राइस कुकर में केक बनेगा। मैं सुन के ही मैं बोला राइस कुकर में केक, मैं फर्स्ट टाइम सुना हूँ राइस कुकर में केक। मैंने सुना कुकर में केक बनाते हैं, ओवन में बनाते हैं। वो बोले मुझे राइस कुकर में केक बनाएंगे बोल के, तो मैं आज देखने वाला हूँ कैसे केक बनाते हैं। तो आज उसी की वीडियो बन रहा है, आज राइस कुकर में केक। फाइनली केक की तैयारी हो गई। क्या क्या तैयारी हो गई देखिए आप। मैंने सोचा बहुत कुछ होंगे, तो चार ही आइटम है, पांच आइटम है इसमें, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अंडा रखा है, मैदा रखा है, ये मिल्क पाउडर है और ये ऑयल। और इसमें मैं सपत क्या है पता नहीं, देखिए बोला है चीनी का ग्राइंडर किया है चीनी को। और बनने वाला है इसमें ये छोटा सा पतीले में बनने वाला है केक। तो देखते हो क्या क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं केक। पहले अंडे को तोड़ दो, तीनों अंडे दोगे ना? हाँ, तीनों अंडे एक साथ। तो अभी फिलहाल बन रहा है हमारा केक। खाने के लिए मेरा भाई भी बैठा है, उनकी भाभी केक बना रही है आज। तो देखिए बन रहा है केक, हम सब दर्शक देखने वाले कैसे बनते हैं केक देखने वाले हैं। आज पहली बार देख रहे हैं सामने से केक बनना। मैं प्रिया ने तो बहुत बार बनाया केक, तो देखा नहीं कभी कैसे बनते हैं, तो आज फाइनली देख। अब क्या क्या डलेगा उसमें? सब कुछ डलेगा अभी। हाँ। सब कुछ डालने वाला है केक में। अभी पिसा हुआ चीनी डाल रहे हैं। पिसा हुआ चीनी डाल रहे हैं अभी, उसको भी मिक्स। मैंने खाने टाइम तो दो मिनट में खा लेते हैं, तो खाने टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बाकी बनने में टाइम लगता है। बहुत बहुत इंतजार हो गया। ओके, मैदा मिक्स होगा। अभी मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। अभी फ्रेंड मैदा डाल रहे हैं, पहले पिसा हुआ चीनी डाला था, अभी मैदा डाल रहे हैं। तो मैदे को भी करने वाले हैं मिक्स। उसके बाद बोला है ऑयल भी डालेगा इसमें। मैं बोला कच्चा चीज़ है, इसमें ऑयल भी डालता है क्या? तो प्रिया ने बोला है ऑयल भी डालेगा इसमें। ये तो बहुत हो गया है, इसमें नहीं आएगा। अब डाला बहुत सारा ऑयल। फ्रेंड प्रिया सामने नहीं आएगी बोल रहा है, तो आप ऐसे ही देख सकते हो प्रिया केक बना रही है। वो राइस कुकर भी ऑन है शायद, उसके अंदर पानी है, पानी गर्म हो रहा है। तो फाइनली बटर तैयार हो गई हमारी। प्रिया ने बहुत मेहनत के साथ बटर बना लिया है। तो अभी इनो डाला है इसमें। और ये कौन से फ्लेवर डाल रहे हैं? तो फाइनली हमारे केक कुछ फ्लेवरदार होगी, अच्छा लगेगा खाने में। अब बनने के बाद देखते हैं कैसा लगता है। तो फाइनली हो गई बैटर। अभी प्रिया ने पहले से ही पतीले को तैयार करके रखी थी, अभी उसके अंदर डाल रही है।
फाइनली कंप्लीट हो गया, बैटर कंप्लीट हो गया, पतीले में इसमें भी डाल दिया। अब राइस कुकर में रखने वाला है। तो प्रिया ने कुछ नया निकाला है, राइस कुकर में केक बनाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनता है। आज कंप्लीट हो गया, अभी डाल दिया है, ढक भी दिया है वो। तो फाइनली तो केक हमारी बन के तैयार हो गई, आप देख सकते हो। बाकी कलर नहीं आया, सफेद सफेद दिख रहा है। तो आप देखिए अभी प्रिया इसको कट करेगी। दिखने में तो अच्छी लग रही है, अब खाके देखते हैं कैसा लगता है। भाई बैठा है, मेरी मम्मी बैठी है। तो दो सबको, दो खिलाओ ना सबको, कैसा है रिव्यू लेते हैं कैसे बने हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट बनी है, सॉफ्ट है बहुत। पहले मैं खा के देखता हूँ। अच्छी है, मिठास थोड़ा सा कम है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत सॉफ्ट है।